झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। दोस्तों नमस्कार, इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब भी हमारे देश में छोटे बड़े कोई भी चुनाव आते हैं तब हर पार्टी के नेता बड़े ही जोरों शोरों से जनसंवाद करने लगते हैं। उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के हालात कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। खैर देश की बात तो बहुत दूर की है, हम बात करते हैं अपने नगर की, अपने वार्ड की। क्या आप सभी को लगता है कि हमारे वार्ड की सभी समस्याएं दूर हो गई है, और क्या वार्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए 4 जो नगर सेवक चुनकर आते हैं उनके लिए 5 साल का समय पर्याप्त होता है? इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है वार्ड क्रमांक 33 की नगर सेविका भारती बुंदे मैम को। मैम सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए कि आपका कार्यकाल एज ए नगर सेविका कितने सालों का रहा है? 5 साल का जी। और इन 5 सालों में जो है किन किन तकलीफों को आपने फेस किया है? तकलीफें मतलब ये है कि जब मैं चुन के आई तो सबसे पहला टारगेट था काम, 0% काम था। उससे पहले जो नगर सेवक थे मतलब एक गडर लाइन भी करना हो तो मुझे चेंबर से मतलब जीरो इसे स्टार्टिंग करनी पड़ी, और काम बहुत था, टारगेट बड़ा था, और ये सब करते हुए लोगों के मन में अपनी जगह बनाना ये आसान बात नहीं थी। और स्टेप बाय स्टेप सब होते गया, और जहाँ तक अपनी सकारात्मक कोशिश रही तो कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती काम करने के लिए। बस ये पॉजिटिवनेस साथ में रख के काम किया, और लगभग बहुत से काम ऐसे है जैसे जिसमें रास्ता है बाकी है इससे लेकर और बाकी सुविधा है, सुविधाएं जैसे ग्राउंड है, गार्डन्स है, ये सब काम करने में मुझे मतलब पूरी कर सकी मैं जी। मैम ये बताइए कि जो राजनीति का क्षेत्र है तो ये राजनीति के क्षेत्र में जाना है ऐसा आपको किस उम्र में लगा? क्या आपका कोई बैकग्राउंड ही राजनीतिक का था, या आपने एक समय पर आने पर सोचा कि नहीं अब मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मतलब मेरे हस्बैंड थे राजनीति में जी, का बहुत बड़ा काम है, बहुत कम उम्र से वो राजनीति से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब ये नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगी, लेकिन कैसे है जब समस्याएं आप लोग देखते हैं सामने और वो करने की अगर आप मतलब संधि आपको मिलती है तो मुझे लगा कि अब आना चाहिए इस क्षेत्र में। अगर महिला सीट आई है और अपन चुन के आने के बाद में अगर आप कुछ जनता के लिए कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। बस यही से मेरा दौर शुरू हुआ जी। मतलब ऐसा है कि अपनी समस्याएं तो हर कोई हल करता है, लेकिन दूसरों की समस्याओं को हल करने की जो है ये जिद जो कहेंगे ये बहुत कम लोगों में ये भावना होती है। मैम ये बताइए कि क्या जनता की समस्याओं को पूरा करने के लिए आप लोगों का जो कार्यकाल होता है 5 साल वो काफी होते हैं? जी नहीं, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म न होने वाली रहती है, और 5 साल में आप जो करते हैं वो बहुत ही कम समय रहता है, पर जो टारगेट है इस 5 साल में वो पूरा करना है तो लगभग अपन जो प्रयत्न करते हैं, हम लोग जो प्रयत्न करते हैं उससे जो जो सरकमस्टांसेस आते हैं सामने उसमें से जितने हो सके उतने पॉसिबल हो सकते। कोई भी नगर सेवक पूरा जनता के मन में पूरा खरा नहीं उतरता, काम भी पूरे नहीं होते, फिर भी कोशिश अगर आपकी जारी रहे तो इंसान लगभग तो पूरा कर सकता है जी। ये बताइए कि अभी की बात करें तो पिछले 1 साल से किसी भी वार्ड में कोई भी नगर सेवक का हस्तक्षेप नहीं है, तो ऐसे में अगर जनता आपके समक्ष आती है तो क्या आप उनकी समस्याओं को हल करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ,
क्योंकि मेंटेनेंस है या किसी की निजी समस्याएं है। एक नगर सेवक अभी वो दौर नहीं रहा जहाँ राजनीति सामने थी। अभी आप जितना लोगों के मन में उनके लोगों के मन में घुसोगे, उनकी इमोशनल अटैचमेंट जब तक आपकी तरफ रहती तो उनको आप अपने उनके परिवार के एक सदस्य के जैसे लगते हो। और उनकी जो समस्याएं हैं वो मैं ये नहीं बता सकती उनको कि मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, अभी मैं ये कर नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ही बता नहीं सकती। मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं जितना उनके अपेक्षाओं में खरा ठहरूंगी उतना मैंने उनके लिए करना है। तो बस उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसमें बहुत बड़े मतलब मेंटेनेंस के काम रहते, किसी की निजी समस्याएं रहती, किसी की हेल्थ को लेके समस्याएं रहती, एजुकेशन को लेके समस्याएं रहती। आज सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आ रही है, वो समस्या वो उनको समझता नहीं, उनमें हड़बड़ाहट रहती है इस समस्याओं को लेके। तो वो सब हम लोग अपने घर के सदस्य की तरह से उनको उनकी ये समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जी मैम, ये बताइए कि पिछले 2 साल जो है न सिर्फ पूरा भारत देश बल्कि हमारा नागपुर, और सिर्फ अगर आपके एरिया की बात करें तो कोरोना ने सबको जो है वो झंझोड़ कर रख दिया था, सबको ऊपर से लेकर काफ़ी हद तक नीचे तक लाके रख दिया, जिसमें आर्थिक तंगी हो गई, नौकरी की परेशानियां हो गई। तो एक नगर सेवक होने के नाते आपने इस दौर में सबसे बुरा वक्त कौन सा फेस किया? जो 19 का मतलब 2019 का जो पहला पीक पीरियड था कोरोना का, मतलब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसा टाइम फिर से कभी ना आए, किसी के ऊपर ना आए। क्योंकि इंसान को कैसे जीना चाहिए और किस हद तक लोगों के लिए रहना चाहिए, सब ये कोरोना ने सिखाया है। और इस कार्य का इस दौरान लोगों के लिए जो जो बन पड़ा वो हम सब ने फ्रंट फेस पे आके किया। किसी को अनाज की समस्या हो, किसी को मतलब कोरोना का पेशेंट भी अगर सामने रहा तो सबसे पहली बात ये थी कि उनका इमोशनल उसका जो है उनको मेंटली प्रीफर करना उसके लिए, क्योंकि लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे पहले पीक पीरियड में, तो उनका उनको मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना, ये सब काम करना बहुत ही जरूरी था। खाने की समस्या थी, हम लोगों ने कम से कम रोज हमारे यहाँ लाइन लगती थी लोगों की, उनको खाना बांटना, आमदार साहब की तरफ से हम कम से कम सब लोगों को मतलब खाना बांटने की संधि थी, वो हमने किया। उन्होंने तो बहुत बड़ी लेवल पे काम किया जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी ठहरा, हम लोगों के काम में आ सके। किट बांटे, दवाइयाँ बांटी और इस तरह से काम किए। लेकिन वो ऐसा पीरियड किसी की तरफ आना नहीं चाहिए, क्योंकि उस लोगों के पास पैसा होकर भी बेड नहीं अवेलेबल होते थे, इंजेक्शंस नहीं अवेलेबल होते थे। आज वो दौर से जो बन पड़ा है, एम्बुलेंस की समस्याएं थी वो सब कर सके। हमारे आमदार साहब ने भी इसके लिए बहुत ही मतलब उनका तो मन से शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने फ्री में एम्बुलेंस उपलब्ध करके दी लोगों के लिए, दवाइयाँ रहे, खाना मतलब रोज 800,000 लोगों का खाना, जो एक रिसेप्शन में जितना क्वालिटी खाना बनना चाहिए वो खाना उन्होंने रोज उसके टेस्ट में 1% फर्क नहीं गिरा, ऐसा खाना लोगों को उन्होंने खिलाया। इसलिए हमारा भी मतलब उससे मनोबल बढ़ गया और हम लोगों के लिए कुछ कर सके, इसका मुझे बहुत ही समाधान है। मतलब मैम, कहा जाए तो एक नगर सेविका होने के साथ ही साथ आपने अपना सामाजिक दायित्व, एक नागरिक होने के नाते अपना सामाजिक दायित्व जो है वो कोरोना काल में बखूबी निभाए हैं। मैम ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो हमारे एज अ नगर सेवक की बात करें तो नगर सेवक को ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती है, और उन दिक्कतों को पूरा नहीं होने की वजह से आप जनता की तकलीफों को दूर नहीं कर पाती है? फंड की कमी हो सकती है इसमें, और कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको जनता की समस्याओं को पूरा करने में मतलब बाधा डालती है? जी, बहुत सी ऐसी समस्याएं रहती है। एक नगर सेवक को एक फाइल बनाने के लिए 22 टेबल घूमना पड़ता है। क्या बात है, 22 टेबल घूमना पड़ता है, मतलब तो आप 9 बजे से निकलो तो आपको शाम के 6-7 बजते हैं, ये कंडीशन रहती है। और काम की मतलब इतना काम रहता है कि वो पूरा करना, और लोगों के मन में क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं रहती नगर सेवक से, आप एक वोट देते थे वो नगर सेवक को अपने फैमिली का एक सदस्य समझने लगते हैं, तो ये काम उनका होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपको चुन के दिया तो कुछ गोल सामने रख के चुन के दिया। और फंड की तो है, फंड का बहुत प्रॉब्लम रहता है,
पर आमदार साहब हो या खासदार साहब हो, उनकी निधि से काम कर सकते हैं। जी, आपका जो कार्यकाल है वो 10 से 12 सालों का है, तो इस बीच कभी कोई महिला होने के नाते ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है जिसको फेस करने में आपको बहुत दिक्कत हुई हो? नहीं फिलहाल। और आपको ऐसा लगा कि नहीं, गलत फील्ड में आ गई हूँ मैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे पक्ष में एक सिखाया जाता है कि 80% राजकारण करो, सॉरी 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण करो। तो राजकारण की माध्यम से अगर मैं लोगों की तकलीफें पूरी कर सकती हूँ, उनकी तकलीफों में उनकी सहायता कर सकती हूँ, तो ये मैं मेरा अपना भाग्य समझती हूँ कि मैं किसी के काम आ सक रही हूँ, तो ये बहुत ही प्राउड फील होने वाली कंडीशन लगती है मुझे। जी मैम, ये बताइए कि अगर वैसे तो अभी इलेक्शन का डेट जो है वो फिक्स नहीं है, तो डेट अगर फिक्स हो जाता है तो क्या आप तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, और ऐसे टाइम में आप कौन कौन सी चीजें ऐसे चाहती हैं कि जो होना चाहिए जो अब तक नहीं हुई है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, काम को लेके फंड की कमी तो होती ही है, प्रॉपर जितना चाहिए आपको उतना नहीं मिलता है, तो कई बार नगर सेवक अपने ओन फाइनेंस से वहां पर खर्चा करता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नेक्स्ट इलेक्शन में वो होनी चाहिए? पहले तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को ये नहीं बता सकते आप कि आप पद पे नहीं है, उनकी अटैचमेंट रहती है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा तो आपको उतरना ही रहता है, क्योंकि आप रोल मॉडल रहते हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर पे बर्फ रखो, पाव में चक्री रखो और पेशेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरी बात, अभी जो इलेक्शन हो, काम बहुत है, हमारे इधर नाले की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या गडर लाइन की समस्या है। 30-40 साल से जो गडर लाइन है वो गडर लाइन अभी डैमेज हो चुकी है, उसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो वो ये सबसे बड़ी समस्याएं है। ये समस्याएं पूरे करने के लिए इलेक्शन जितने जल्दी हो सके वो काम प्रोसेस में आएगा, लोगों का मतलब जो समस्या इन कारण लोगों को आ रही है वो दूर करने में आसानी जाएगी। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते हमारे दर्शकों के तरफ से रहेगा कि आपके वार्ड में अभी कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है जिसको आपने इतने सालों में पूरी तरीके से हल कर दिया है? और प्रमुख समस्या जी, और आने वाले दिनों में आप जो है, आपके ध्यान में ऐसी कोई समस्या है जिसको आप हल करना चाहेंगी, स्पेशली आपके एरिया की? समस्याएं तो बहुत सारी थी, एक नगर सेवक होने के नाते मैं ऐसा बता ही नहीं सकती कि एक समस्या स्पेशल होंगी करके। रास्ता है, पानी है, हमारे इधर एक भाग ऐसा है कि जहाँ कंटिन्यू टैंकर रहते थे। अच्छा। रास्ते की समस्या थी कि एक भी जगह पे रास्ते नहीं थे। आज अगर देखा जाए तो 80% रास्ते का काम पूरा हो चुका है आपके कार्यकाल में। या जी, और एक जगह ऐसा, एक कुछ एरिया ऐसे थे कि जहाँ लोग नल शुरू ही नहीं करते थे, टैंकर का पानी भरने की आदत पड़ गई थी, उस कारण इतना अच्छा एरिया स्लम जैसा दिखने लगा था, वो हमने बंद करवाए। लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे, वो इश्यूज हम पूरा करने में सरकार की जो योजनाएं आती है उनसे सहयोग लेके वो हेल्थ इश्यूज पूरे कर सके। लोगों को रेशनिंग का प्रॉब्लम रहता, रेशन कार्ड का, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते, वो सुलझाने में हम पूरे हो चुके। लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं थे खुद के, वो रेशन कार्ड बनवा सके। गार्डन्स है, ग्राउंड है, वो डेवलप कर सके। हमारे यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, हमने नाइक नगर में बैडमिंटन ग्राउंड बनाया है, और बहुत से सारी जगह पे बगीचे बहुत सारे हैं मेरे एरिया में। कुछ सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए हक की जगह मिलनी चाहिए, वो कोशिश की है। समाज भवन बनवाए हैं बहुत सी जगह पे, मतलब लोगों को इसका फायदा, उनको हक का कुछ मिलना चाहिए बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन को हक का कुछ मिलना चाहिए, ये सब कोशिश की है। मतलब कहा जाए तो सभी लगभग जो अविकसित काम थे उन सभी को आपने विकसित रूप में कर दिखाया है, और जो भी काम जो थे वो अधर में लटके हुए थे या फिर ये कहा जाए कि प्रोसेस में चल रहे थे, उसको आपके कार्यकाल में पूरा किया गया काफी अच्छे से, और आने वाले दिनों में भी आप काफी बेहतरीन काम करें मैम, इसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, इन विसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में
नगर सेवक आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई थी प्रभाग क्रमांक 33 से भारती बुंदे मैम। एक बार फिर मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं BCN न्यूज चैनल को देना चाहूंगी कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके हम लोगों को ये मंच उपलब्ध करके दिया कि हम लोगों तक पहुंच सके इस माध्यम से अपनी जो भावनाएं हैं या आगे चल के हमारे मन में जो विचार है जनता के लिए वो जनता तक पहुंचा सके, इसलिए BCN न्यूज चैनल ने ये मंच जो हमारे लिए खुला किया, इसके लिए मनपूर्वक आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों BCN की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज चर्चा की है प्रभाग क्रमांक 33 की भारती बुंदे मैम से। बहुत सारी समस्याएं हमने जानी है कि अब तक उनके वार्ड में जिन जिन चीज समस्याओं का विकास नहीं हुआ था, जो समस्याएं हल नहीं हुई थी उनके कार्यकाल में, लगभग वो सभी समस्याओं को उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की है और ये सारी कोशिश उनकी उनके प्रभाग में दिखती भी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर अगर जनता उन्हें मौका देती है क्या, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मैम आपकी कि जिस तरह से आप काफी अच्छा काम जनता के हित में रखकर कर रही है, आने वाले दिनों में और अच्छा काम आप करती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे BCN की खास मुलाकात में नगर सेवक आपके द्वार, जिसमें आपके होंगे सवाल, नगर सेवक देंगे आपके सवालों के जवाब। देखना ना भूले ओनली ऑन BCN न्यूज पर। नमस्कार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार।